अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक हिंदू लड़की का ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे उन्होंने इस्लाम को लेकर कुछ ऐसी बातें कहीं जो हम तमाम मुसलमानों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, और ये बात ख़ासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी जो मुसलमानों को कट्टरवादी और ग़लत बोलते हैं। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो इंसानियत सिखाता है। जिस मुसलमान के अंदर इंसानियत ना हो, यकीनन फिर उसके ईमान के अंदर कोई कमी होगी। इस्लाम के माने ही इंसानियत के हैं। दोस्तों, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि सब लोग मानते हैं और इस बात को जानते हैं इस्लाम एक सच्चा और अच्छा मज़हब है, लेकिन वे सच्चाई को डरते हैं कबूल करने में। और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के इंसानों को सही समझ अता फ़रमाएँ और तमाम को हिदायत अता फ़रमाएँ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस हिंदू बहन की बात को गौर से सुने, और अपने तमाम मुस्लिम नौजवान और तमाम बहन भाइयों को ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, उनको शेयर करें और उनको भी समझाएं अगर कोई गलत काम करते हैं तो गलत काम करने से बाज आए। हम सबको चाहिए कि हिंदुस्तान में आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलिए, मैं आपको पहले ये वीडियो दिखा देता हूँ। कहना चाहती हैं इस्लाम धर्म के बारे में? मैं तो हकीकत बताना चाहती हूँ इस्लाम धर्म की। जी जी जी, जो सच्चाई इस्लाम धर्म में वो किसी धर्म में नहीं है। जी जी, आपको क्या खासियत लगी इस धर्म में? इस धर्म में सच्चाई, ईमानदारी। और कुछ असामाजिक तत्व आ रहा है, इस धर्म को बदनाम किया रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? तो ये गलत बदनाम कर रहे हैं मोदी। जी जी, कुछ लोग कोरोना का सहारा आ रहा, मुसलमानों पर आ रहा है। नहीं, ये बीमारी कोई बीमारी नहीं, अल्लाह का कहर है। बीमारी जो आती है इंसान धर्म देख के दौड़ी आती है, ना तो मजहब देख के आती है, तो सब पे आती है, सबको आती है बीमारी। और बीमारी जो बदनाम करा जा रहा है मुसलमान से, कि मुसलमान से शुरुआत हुई, ऐसा कुछ नहीं है। जो विदेशों में मेंढक जो पी रहे हैं लोग, जी 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 जी, जो उसका जूस पी रहे हैं मेंढक का, जी जी जी, जो उससे बीमारी फैली। और हम तो ये कहेंगे बीमारी किसी चीज़ से नहीं फैली, ये अल्लाह का कहर चीन से है। क्यों? कि उन लोगों ने नकाबे उतारी नहीं, बुरखे कटवाए, आज दरगाह पे ताले लग गए, इस वजह से लगवा दिए लॉक। इसको लेके तो मैं बहुत परेशान हूँ। जी जी, ये अच्छा नहीं। पर क्या बोलूँ मैं मोदी जी के बारे में, मोदी जी ने अच्छा नहीं करा। आप जैसे लोग अगर देश में हो तो आपसी सद्भाव बना रहे जी, और आपसी भाईचारा बना रहे जी। थैंक यू। भाईचारा तो बनाए में है, तभी तो चुप है कुछ लोग, मगर माहौल खराब कर रहे हैं देश का। लोगों ने माहौल तो, कुछ लोगों ने क्या है, हिंदू भी बड़ा होशियार आदमी है, हिंदू बहुत होशियार आदमी, चुप है, पर ये इसकी काया को नहीं समझ रहे कि इस्लाम धर्म की ताकत। अच्छा, अल्लाह रसूल को सब देख रहे हैं। जी जी, थोड़ी ढील दे रखी है जी जी मोदी को, और मोदी जी का वो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, जी जी जी, इस टाइम मैं प्रधानमंत्री के ही साथ हूँ। जी जी, बात नहीं है कि मैंने भाजपा को जिताया है, बहुत मेहनत करी भाजपा के लिए। जी जी, तो भाजपा ने या किसी भी पार्टी ने बदनाम कराया जो इस्लाम धर्म को, वो गलत कराया। ओके, शुक्रिया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है अगर आप हिस्ट्री की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस गोल निशान पर क्लिक करके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हिस्ट्री की नई नई वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी, और कुछ वीडियोस अपलोड हो रही हैं, कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी थी, तो जाइए और वीडियोस देखिए।